नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ये सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारत में ग्रहण होने से इसका सूतक काल भी माने रहेगा और ग्रहण का सूतक सुबह 4 बजे लग चुका है। भारत में ये ग्रहण दोपहर बाद देखा जा सकेगा। शास्त्रों में ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए ग्रहण के पहले सूतक लगने पर सभी तरह के शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की पूजा करना वर्जित है, यहां तक कि भगवान की मूर्ति को भी छूना वर्जित माना गया है। ग्रहण के पहले और ग्रहण के दौरान सभी मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो आपको बता दें कि आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सूर्य ग्रहण का असर 30% से ज्यादा रहेगा और आज इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। उत्तर प्रदेश में सूर्य ग्रहण का असर 30% से ज्यादा रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण को जनजीवन के लिए अशुभ माना जाता है, इसे शुभ नहीं माना जाता। तो आज ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इस दौरान कई सारी चीजें होती हैं जिनकी मनाही की जाती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सूर्य ग्रहण का असर होगा और 30% से ज्यादा ये असर रहेगा आज जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और इस दौरान, क्योंकि सूर्य ग्रहण को हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, इसे शुभ नहीं कहा जाता, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे पहले ही सूतक काल लग जाता है और जिसके बाद में सभी शुभ कार्य जो है उनकी मनाही होती है। यहाँ तक कि जो मूर्तियां हैं उनको भी नहीं छूना चाहिए इस दौरान। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनकी मनाही की जाती है सूर्य ग्रहण में। तो आज ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। ये तमाम चीजें आपको बताएंगे कि किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, आज सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इसको लेकर के, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं जिनकी मनाही की जाती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो इस साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण है। हालांकि सूतक काल सुबह 4 बजे से शुरू हो चुका है, क्योंकि जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले, जब सूर्य ग्रहण होता है उससे 12 घंटे पहले लगता है। हालांकि अगर हम बात करें तो विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों की बात करें देश के, तो देश में ये देखा जा सकेगा। हालांकि पूर्वी भारत में ये आंशिक तौर पर होगा और ये 4 बजे के बाद शुरू होगा, जो करीब लगभग 6 बजे तक चलेगा। अगर हम देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो हर अलग हिस्से में अलग समय पर यह दिखाई देगा। जहां तक लखनऊ का सवाल है, 4:36 पर लखनऊ में दिखेगा और 5:29 पर लखनऊ से देखा जा सकेगा। इसी तरीके से अलग अलग शहरों में अलग अलग समय है, तो सूतक काल जो है वो शाम 4 बजे से 12 घंटे पहले, मतलब सुबह 4 बजे से लग चुका है। हालांकि इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और 15 दिन के अंदर ही दोबारा से चंद्रग्रहण भी लगने वाला है, तो निश्चित है कि इस साल का यह अंतिम सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण होता है। जहां तक सूतक काल का सवाल है, तो यह माना जाता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उस दौरान जहां अलग अलग स्थान है पृथ्वी के, तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग स्तर पर यह ग्रहण देखा जाता है। जहां तक भारत का सवाल है, तो यह आंशिक तौर पर देखा जा सकेगा। हालांकि देश के साथ ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर इसको देखा जा सकेगा। करीब
चार घंटे की अवधि है जिस दौरान देश दुनिया में अलग अलग हिस्सों में इसका प्रभाव रहेगा। हालांकि इस दौरान चाहे वो मंदिर हो या फिर घर के पूजा पाठ के स्थल हो या मूर्तियां हो या कोई भी शुभ कार्य हो ज्योतिष के अनुसार नहीं किए जा सकते, ऐसी मान्यता ग्रंथों के अनुसार बताई गई है। और लगातार कहीं ना कहीं जो ज्योतिषी हैं वो बता रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं इस दौरान चीजों को नहीं करना चाहिए। खाने पीने की चीजें हैं या जब ग्रहण चल रहा हो उस दौरान पूजा पाठ है या कोई भी शुभ कार्य जो नया कार्य है नहीं शुरू करना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं ज्योतिषियों की तरफ से अपनी जानकारी लोगों को शेयर की गई है कि वो इस दौरान ये चीजें जो हैं वो सावधानियां बरतें। हालांकि सूतक काल चूंकि वर्तमान में चल रहा है, सुबह 4 बजे से लग चुका है, इस दौरान भी मंदिरों में पूजा पाठ बाकी कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाए, ऐसी मान्यता के अनुसार ज्योतिषियों ने लोगों को जानकारी दी है। जी अगर देखा जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसा कि ज्योतिष के अनुसार ये बताया गया है कि पहले तो जो खाना पीना है वो इस दौरान नहीं करना चाहिए, खास तौर पर ग्रहण के दौरान। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो भी ज्योतिष के अनुसार जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय करने चाहिए, जिसमें गेरू का प्रयोग भी किया जाता है ताकि ग्रहण के प्रभाव को नवजात पर कम किया जा सके, वो प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा पानी अगर भी लेना है तो उस दौरान भी तुलसी दल को डाल कर लेना चाहिए, और जब ग्रहण खत्म होता है उस दौरान भी जब आप कोई चीज प्रयोग कर रहे हैं तो गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, ऐसा ज्योतिषीय गणना के अनुसार है। हालांकि लगातार जो वैज्ञानिक हैं वो अपनी धारणा बताते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो धरती के जिस हिस्से पर जितना ज्यादा उसका प्रभाव होता है उस हिसाब से अलग अलग स्थानों पर यह देखा जा सकता है। लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार इसका अपना अलग महत्व है। इस दौरान सूतक काल से लेकर ग्रहण काल तक चीजों को पूरी तरीके से अशुभ माना जाता है, और यह कहा जा रहा है कि इस दौरान जो सूर्य के शुभ प्रभाव हैं वो बहुत ज्यादा स्तर तक पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते। हालांकि अगर हम देश की बात करें तो आंशिक तौर पर इसका प्रभाव है लेकिन प्रभाव रहेगा, और देश के अलग अलग हिस्सों में चाहे वो कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, लखनऊ हो या दूसरे जो स्थान है, दिल्ली जैसे स्थान है, हर जगह पर अलग अलग समय पर इसको देखा जा सकेगा। हालांकि अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो 4:36 से यह शुरू होगा। तो सारी सावधानियां और उपाय भी ज्योतिषियों के अनुसार इस पूरे ग्रहण काल के दौरान बताए गए हैं, जिसमें तुलसी दल का प्रयोग के साथ किसी भी मंदिर में इस दौरान ना जाना, मूर्तियों को ना छूना, कोई शुभ कार्य ना शुरू करना, कोई नया कार्य ना शुरू करना, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं विशेष सतर्कता बरतें, और जब ग्रहण खत्म हो उस दौरान गंगा जल के छिड़काव के बाद जो पूजा पाठ है या आगे की जो चीजें हैं वो शुरू करनी चाहिए, ऐसे उपाय ज्योतिषियों के अनुसार बताए गए हैं। जी जिस तरीके से देखा जाए तो ये आज साल का आखिरी ग्रहण है, और कल जिस तरीके से दिवाली का मौका था, सबने दिवाली धूमधाम के साथ मनाई, और आज ग्रहण पड़ रहा है जिसकी वजह से कल गोवर्धन जो कि आज होना चाहिए उसे कल हम सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो देश में सनातन परंपरा है उसके अनुसार त्योहारों को मनाया जाता है, उसकी तिथियां तय होती हैं। जहां तक दीपावली का पर्व है, दीपावली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन ग्रहण काल के कारण वो समय बढ़ा है और गोवर्धन पूजा कल होगी, उसके बाद आगे भाई दूज की जो पूजा पाठ कार्यक्रम है वो होंगे। तो कहीं ना कहीं जो ज्योतिषी हैं वो अपनी गणना के अनुसार अलग अलग चीजें बता रहे हैं, उपाय भी बता रहे हैं किस तरीके से इस दौरान जो है मंत्रोच्चार किया जाए, किन किन मंत्रों का सहारा लिया जाए, उन सारी चीजों की जानकारी दे रहे हैं ताकि जो ग्रहण काल है उसके प्रभाव को कम किया जा सके। ऐसा जो सनातनी परंपरा है उसके अनुसार माना जाता है कि ग्रहण काल के दौरान जो शुभ प्रभाव सूर्य के जो धरती पर या लोगों पर होते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, इसलिए इस दौरान जो अच्छी चीजें हैं, जो शुभ कार्य हैं, जो नया कार्य है वो नहीं शुरू करना चाहिए, पूजा पाठ से भी बचना चाहिए, यहां तक कि मूर्तियों को भी छूने से परहेज करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, और कहीं ना कहीं उसी गणना के अनुसार जब ये ग्रहण काल खत्म होगा किस तरीके से चीजों को शुरुआत करें, गंगा जल का छिड़काव करें और साथ ही साथ ग्रहण काल के दौरान भी मंत्रोच्चार करें, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे एक बार हम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण के दौरान क्या कुछ किन चीजों का वो ध्यान रखे, क्या करें और क्या ना करें। ग्रहण के आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के अवधि के दौरान घर के पूजा वाले स्थान को पर्दे से ढक देना चाहिए,
और आज भूलकर भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करें। सूर्य ग्रहण के दौरान खाना पीना भी बिल्कुल वर्जित माना गया है, खाना पीना नहीं चाहिए। खाद्य पदार्थों में तुलसी के पत्ते डालकर रखें जिससे कि वो अशुद्ध ना हो, क्योंकि कहते हैं कि कुछ ऐसी रेंज होती है जो कि हमारे खाने में पड़ जाती है जो आगे चल के हमें नुकसान देती है। तो ऐसे में तुलसी पूरी औषधियों से भरी हुई है, तो तुलसी के पत्ते डाल करके आप खाने को शुद्ध रख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई और इसी के साथ में हमारे साथ हमारे संवाददाता और भी जगह से जुड़ गए। इस वक्त गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही प्रयागराज से विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरेंद्र आपके पास आना चाहेंगे, आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और इस दिन तमाम चीज़ों को लेकर के मनाही होती है क्योंकि सूर्य ग्रहण को शास्त्रों में अशुभ माना गया है। देखिए आज पूरे विश्व में जिस तरह से सूर्य ग्रहण आंशिक ये ग्रहण लग रहा है, खासतौर से सूर्य ग्रहण आज 11:28 से शुरू हो रहा है और ये शाम 6:33 तक रहेगा, लेकिन भारत में 4:22 से दिखना शुरू हो जाएगा, खासतौर से 5:26 तक ये भारत में रहेगा। लेकिन ग्रहण यह सूरज जो सूर्य ग्रहण है यह 36.93% भाग चंद्रमा के रूप में ये ढका दिखेगा, खासतौर से तुला राशि में यह चंद्र ग्रहण लग रहा है और तुला राशि वालों के लिए विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। दीपावली के जो अगले दिन यह ग्रहण लग रहा है, खास तौर से तुला राशि में सूर्य के साथ शुक्र केतु और चंद्रमा भी मौजूद रहते हैं, जिसे लेकर के ग्रहण सभी अपनी अपनी राशियों में मौजूद रहते हैं और सभी राशि के लोगों को ध्यान देना चाहिए। खास तौर से इस ग्रहण के दौरान दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधे लोगों को, विशेष जो पारिवारिक सांसारिक में बन चुके हैं उन लोगों के लिए विशेष तौर से इस ग्रहण से बचना चाहिए, पूजा पाठ से बचना चाहिए, खास तौर से मंडप के अंदर ही रहना चाहिए। दूसरी चीज हम बताना चाहेंगे, आज यह ग्रहण जो है कि जिस तरह से 1:21 की अवधि में ये भारत में रहेगा और दूसरे दिन जिस तरीके से 12 घंटे पहले इसका सूतक लगता है, तो सूतक के दौरान ये सनातन धर्म की परंपरा रही है कि जिस तरह से 12 घंटे पहले सूतक माना जाता है जी। तो जो गुरुमुख होते हैं, खास तौर से जो गुरु की दीक्षा लिए होते हैं, उन लोगों को इस ग्रहण सूतक काल से लेकर के ग्रहण काल तक बहुत विशेष करके पूजा पाठ वगैरह या अन्य शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, उनके लिए ये मान्यता है खास तौर से। और जो यवोध हैं, जो बालक हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए इस ग्रहण में थोड़ी सी बचाव की परंपरा रहती है कि वो दवा ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं जी। अब वो क्योंकि ब्राह्मणों सनातन धर्म में ब्राह्मणों को बड़ा महत्व दिया गया, तो जिसका यज्ञोपवीत हो जाता है वो अभी सूतक काल को बड़े पैमाने पर मानने का काम करता है। यही नहीं, इसके बाद जब ग्रहण लगता है तो पूजा पाठ रामायण वगैरह का पाठ एकत्र होकर के करना चाहिए, मंदिर के बाहर बैठना चाहिए। पूजा पाठ करने से ग्रहण राव केतु का जो ग्रहण होता है वो ग्रहण से निजात मिलती है, धार्मिक शुभ कार्य नहीं हो सकते, लेकिन धार्मिक परंपरा के अनुसार जिस तरह से बैठ करके रामायण पूजा आराधना करनी चाहिए कि हे प्रभु हमें इस सूतक से और इस ग्रहण से हमें निजात दें। तो खास तौर से आज का जो ये अंतिम सूर्य ग्रहण है, यह अंतिम सूर्य ग्रहण गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अपने पास महिलाएं जो गर्भवती हैं वो अपने पास कुश रखें और गंगा जल रखें, साफ कुश के पके हुए भोजन में डाल दें। वहीं बालक वृद्ध रोगियों को छोड़कर किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताना कि मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और रामायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप लोगों को आज के दिन एक ग्रहण के दौरान करना चाहिए, जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है। खास तौर से तांबे के पात्र में लाल कपड़ा लपेट करके मसूर के दाल फल इत्यादि चीजों का दान करना चाहिए आज इस ग्रहण के दौरान। यही नहीं, आपको बता दें कि जिस तरह से ये सूर्य ग्रहण आज लग रहा है, यह आखिरी सूर्य ग्रहण है और इस सूर्य ग्रहण के दौरान काफी चीजों को वरीयता देनी चाहिए, काफी चीजों से शुभ कार्य से बचना चाहिए,
और सबसे बड़ी बात रही मंडप के अंदर ही रहना चाहिए, मंदिर के बाद मंडप के बाहर। मंडप का मतलब होता है मकान घर, मंडप के अंदर रह करके पूजा आराधना करें, रामायण का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करते रहें जब तक ग्रहण रहे, और जब से सूतक लगा है तब से लेकर के और जब तक ग्रहण खत्म नहीं हो जाता, ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद दान करने की जो परंपरा सनातन धर्म है वो करना चाहिए, जिससे काफी फल भी मिलता है। जी ठीक है, विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। विवेक देखिए प्रयागराज एक मतलब प्रयागराज में हर कोई पूजा स्नान करने के लिए वहां पर जाता है, तो ऐसे में संगम नगरी में क्या कुछ तैयारियां भी हैं अलग से आज के इस ग्रहण को लेकर? जी बिल्कुल, धर्म और मोक्ष की नगरी कहा जाता है प्रयागराज, और प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, यहीं पे मिलते हैं। और आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है जिसको ग्रस्ताग्रस्त सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं, क्योंकि अपने ग्रहण के दौरान ही सूर्य का अस्त भी हो रहा है, इसलिए इसको ग्रस्ताग्रस्त बोलते हैं। अब अगर संगम नगरी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो जिस तरीके से ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लगने के बाद यहाँ पर जो श्रद्धालु हो वो गंगा के नदी के किनारे संगम पहुंचेंगे, और संगम पहुंचने के बाद भारी मात्रा में वहां पे स्नान ध्यान करेंगे और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे कि जो ये विपत्ति आई थी उस विपत्ति से जो हानियां लोगों को होंगे और जो समाज पर इसका असर पड़े, इसका असर कम से कम देखने को मिले। हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इस सूर्य ग्रहण को लेकर सूतक का जो वक्त है वो 12 घंटे पहले से ही शुरू हो चुका है, मंदिरों के कपाट सब जगह के बंद कर दिए जा चुके हैं, लेकिन जब ये सूतक खत्म होगा और खत्म होने के बाद जो हमारे शास्त्रों विधि विधान से जो सारी चीजें बताई गई है उसका पालन संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिलेगा। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे संगम के किनारे वो तमाम तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ये अक्सर ये देखा गया है कि जब भी या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो संगम नगरी में भारी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जो मां त्रिवेणी में दर्शन करती है, पूजा करती है, और अपने जो भी इष्ट देवता को कष्ट हुआ है उससे उनको निवृत्ति दिलाने के लिए, अपने आप को अपने घर परिवार को सुख समृद्धि दिलाने के लिए मां गंगा त्रिवेणी में दर्शन और पूजन करते हैं। जी ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। एसके भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके देखिए हर जगह तैयारी हो चुकी है, क्योंकि कहा जाता है कि जब ग्रहण खत्म हो तो उसके बाद में अपने पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए और साथ ही खुद भी स्नान करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो ग्रहण है उसको अशुभ माना गया है, इसलिए माना जाता है कि जब ग्रहण काल चल रहा होता है उस दौरान जो चीजें हैं वो अपवित्र हो जाती हैं, इसलिए लगातार जो ज्योतिषी हैं वो कह रहे हैं कि तुलसी दल का प्रयोग करें, कुश का प्रयोग करें, गंगा जल का छिड़काव करें, खुद स्नान करें, उसके बाद पूजा पाठ करें। हालांकि इस दौरान मंदिर और जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा करने को वर्जित किया गया है और कहा गया है इस दौरान मूर्तियों को भी ना छुएं और मंदिर के बाहर रहें, मतलब मंदिर परिसर के में रहें लेकिन मंदिर के अंदर ना जाएं। और जो पूजा पाठ है, जो विभिन्न मंत्र हैं जो बताए गए हैं, जिसमें सूर्य के मंत्र हैं, वासुदेव के मंत्र हैं, वो जाप करने के लिए बताए गए हैं कि इस दौरान वो जाप करना चाहिए। और ये माना जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो सूर्य है इस दौरान संकट की स्थिति में है, मतलब जो उनके शुभ प्रभाव हैं वो कहीं ना कहीं ग्रहण के दौरान कम होते हैं। हालांकि ये ज्योतिषीय गणना के अनुसार है और ज्योतिष इन सारे उपायों को जो लगातार अपने जो श्रद्धालु हैं उनको बता रहे हैं, तो कहीं कहीं ऐसे में जो पौराणिक स्थल हैं उनका अलग महत्व होता है, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, चित्रकूट धाम हो, जो भी उत्तर प्रदेश में ऐसे पौराणिक स्थल हैं। हालांकि वहां पर इस दौरान जो मंदिर के कपाट हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन बाहर रहकर या एक जगह एकत्र होकर कहीं भी छत के नीचे पूजा पाठ करने के लिए बताया गया है कि आप किसी तरीके का कीर्तन भजन या रामायण जैसे पाठ कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं जाना है और इस दौरान मूर्तियों को नहीं छूना है। हालांकि कोई नया काम अगर शुरू करने वाले हैं तो उससे इस दौरान बचना है और कोशिश की जानी चाहिए कि ग्रहण काल से 12 घंटे पहले, मतलब जो सूतक काल होगा उस दौरान भी चीजें नहीं करनी है। तो ये बहुत सारे उपाय हैं जो ज्योतिषियों के अनुसार बताए गए हैं, और कहीं ना कहीं ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। हालांकि 15 दिन के अंदर ही चंद्र ग्रहण भी होगा, और जहां तक देश का सवाल है 4 बजे के बाद ये देश में शुरू होगा और करीब 6 बजे तक इसका प्रभाव अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर होगा। जी जी ठीक है, हरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जब ग्रहण खत्म हो तो उस दौरान क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले तो आदमी को स्नान करना चाहिए, हर प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करके
भगवान का उसके बाद पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए, और पूरे मंडप के अंदर घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करें, तुलसी पत्र डाल करके गंगा जी गंगा जल पर छिड़काव करने से जो अप्राकृतिक शक्तियां होती हैं वो दूर होती हैं, खासतौर से मंडप के अंदर। और इस ग्रहण के बाद अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि खासतौर से जिस तरह से रामायण हो, भागवत हो, हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड, इन सबों का पाठ एकत्र होकर के बैठ करके मंडप के अंदर करना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, भगवान के मूर्ति को छूना नहीं चाहिए, भगवान के कपाट को बंद रखना चाहिए, और अपने घर में खास तौर से एकत्र होकर के जो घर के लोग हैं वो अपने परिवार के साथ एकत्र होकर हैं, गर्भवती महिलाएं मंडप के बाहर न जाएं, खास तौर से सनातन धर्म की जो पुरानी परंपरा चली गई है वो ग्रहण के दौरान बहुत लोग ग्रहण खत्म होने के बाद जब स्नान कर लेते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान मोक्ष को प्राप्त हो गए, खास तौर से जिस संकट में भगवान थे आज भगवान संकट से मुक्ति पा गए हैं, उसको लेकर के लोग स्नान दान ध्यान करने के बाद दान करने की परंपरा चली आई। तो खास तौर से आज के दिन बड़े शिद्दत के साथ लोग मनाएंगे, और सुबह जिस तरह से ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले जो सूतक लगता है, सूतक में भी लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं, और खास तौर से ये परंपरा सदियों से चली आई है, इसको वर्जित करना है, और देवी देवताओं की मन में पूजा आराधना करें, मंत्रोच्चार करें, गीता रामायण सुंदरकांड हनुमान चालीसा तरह तरह की पाठ करके समय एकत्रित होकर के केवल धार्मिक बातें करें, कहीं दूसरी तरफ न जाएं, खास तौर से जो गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं वो कहीं किसी विकलांगता का शिकार ना हो, विशेष तौर से ध्यान देने की आज के दिन जरूरत पड़ती है। और अपने दर्शकों से हम यही बताना चाहेंगे कि अगर उनके घरों में गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको एकत्र स्थान पे मंडप पे बैठा दें और उनके सामने रामायण और सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, क्योंकि जो गर्भ में पल रहे शिशु हैं वह बाहर शक्तियों से अलौकिक होते हैं और सुनने का काम करते हैं। हमें लगता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे हमारी संस्कार हमारी परंपरा को नहीं सीखते हैं, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गर्भ में पल रहे बच्चे बाखूबी हमारे संस्कार को सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, क्योंकि जब धरातल पर उनका आगमन होता है धरा पर तो उसी आचरण और उसी संस्कार के साथ वो आगे उनकी जीव उत्पत्ति होती है, खासतौर से उनके आगे की बढ़ोतरी होती है और संस्कार उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ देखा जाता है। तो खासतौर से आज के दिन हम अपने दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि अगर उनके घरों में गर्भवती महिलाएं हैं तो ग्रहण के बाद सूतक लगने के बाद से ही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी भी समय है, अभी भी वो अपने मंडप के अंदर उनको रखें, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और उनके सामने गीता सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें ताकि आने वाला जो नवजात है वो सुंदर हो सके और गुणवान हो सके। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है जो कि शाम को 4:00 पर शुरू होगा, लेकिन इस दौरान सूतक काल अगर देखा जाए तो सुबह 4 बजे से सूतक काल लग चुका है, क्योंकि सूतक काल जो है ग्रहण से 12 घंटे पहले लगता है, और इस दौरान आप और हम सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और साथ ही जो गर्भवती महिलाएं उन्हें भी बहुत ध्यान अपना रखना चाहिए। इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।